वेलकम टू श्रुतिज किचन एंड मोर। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मसाला प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्याज, 8 से 10 लहसुन और 2 चम्मच जीरा को पीस लिया है। इधर पैन गरम करेंगे और इसमें हम तेल डालेंगे। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ चिकन। पहले हम खड़ा मसाला डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है दालचीनी, हींग, जीरा और 2 तेज़पत्ता। इसको हम पहले पैन में तेल में डालेंगे। ये जीरा थोड़ा सा चटक जाए, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया। अब इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे इसमें थोड़ा सा नमक डाल देने से ये प्याज जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड की हूँ इसमें। प्याज भूनने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को इस प्याज के साथ भूनेंगे। इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। नमक मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, बहुत लोग बाद में ऐड करते हैं, लेकिन मैं अभी ऐड इसलिए कर देती हूँ जिससे चिकन अच्छे से पक जाए और जल्दी पक जाए। तो मैं प्याज के साथ चिकन को भून लूँगी जल्दी से। तब तक मसाला जो मैं हमने रेडी किया था पीस के, उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। मसाला में मैंने डाला है 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर। सभी को डाल दें। मैं डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च, इसको भी डाल के भून दें। हरी मिर्च को मैंने चीरा लगा के डाला है क्योंकि मेरे घर में बच्चा है। मसाले हमारे रेडी है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब चिकन में हम सारे मसाले जो हमने रेडी करके रखे हुए थे सारे डाल देंगे और चिकन के साथ अच्छे से इस मसाले को मिक्स करेंगे और भूनेंगे। मैंने मसाले को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें चिकन मसाला ऐड कर रहे हैं। मैं 2 चम्मच चिकन मसाला ऐड की हूँ। अच्छे से भून ले इसको। थोड़ा सा पानी ऐड कर दे ताकि ये चिकन अच्छे से भून जाए, क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले हैं। थोड़ा पानी ऐड करने से चिकन हमारे अच्छे से भून जाएंगे। इसको ढक के दे कुछ देर के लिए, उसके बाद भूने इसमें। अब हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे चिकन को। हमारी चिकन रेडी है। ग्रेवी जब मैं पानी डाली थी उस टाइम आप ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए था, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना। चलिए सर्व करते हैं। अब इसे गर्मा गर्म में प्लेट में निकाल रही हूँ मैं। इसे रोटी, राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं। सभी को पता है चिकन हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है। ऐसे इस ट्रिक से बनाइए, बहुत ही जल्दी चिकन रेडी हो जाएगा और बहुत टेस्टी भी बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दूंगी। तो हमारे मसालेदार चिकन बनके रेडी है। अब इसे बनाइए, सर्व कीजिए और कैसा बना वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।